लातेहार हाईवे ऑनर एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष सह जिला परिषद उपाध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद साहू ने मंगलवार को उपायुक्त से मिलकर मगध तितरी या खाड़ कोल परियोजना में बाहरी गाड़ी पर रोक लगाने को लेकर ज्ञापन सौंपा है। उन्होंने अपने पत्र में लिखा है कि मगध तितरी या खाड़ कोल परियोजना में विभिन्न कंपनियों द्वारा फुल बसिया बुकरू तथा बालूमाथ साइडिंग में कोयला परिवहन तथा किया जा रहा है, जिसमें लातेहार जिला एवं झारखंड प्रदेश से बाहर के वाहनों को लगाकर परिवहन कार्य किया जा रहा है, जिससे लातेहार जिला एवं झारखंड सरकार के राजस्व को भारी नुकसान हो रहा है। इसके साथ ही मगध तितरिया खाड़ कोल परियोजना में मोटर वाहन अधिनियम 1988 की धारा 40, 42, 43 व 60 का सरासर उल्लंघन हो रहा है। उन्होंने उपायुक्त से बाहरी गाड़ियों पर रोक लगाते हुए व स्थानीय वाहन को परिवहन कार्य में प्राथमिकता देने की मांग की है। लातेहार से बद्री गुप्ता की रिपोर्ट। हम लोग लातेहार जिला के हाईवे ऑनर एसोसिएशन का हम अध्यक्ष हुए, नाम हुआ मेरा राजेंद्र प्रसाद साहू, और एसोसिएशन हाईवे ऑनर एसोसिएशन के होने के नाते आज हम लोग पूरा एसोसिएशन के मेंबर पदाधिकारियों के साथ में उपायुक्त महोदय लातेहार से हम लोग मुलाकात ये किए और हम लोग ये मांग किए कि हमारे झारखंड राज्य में लातेहार जिले में जितने भी कुलवरी हमारे हैं मगध तितरिया खाड़ कुलवरी में, वो झारखंड से बाहर राज्य से आ करके हमारे यहाँ गाड़ियाँ का परिचालन किया जा रहा, जो कि मोटर व्हीकल एक्ट 1988 धारा 40, 41, 42 तथा 60 के पूरा पूरी उल्लंघन हो रहा है। हम लोग आज उपायुक्त महोदय से अनुरोध किए और इस एक्ट को हम लोग उनको ध्यानाकर्षण कराए कि ये इसका उल्लंघन हो रहा है और जिसके चलते हमारे लातेहार जिला झारखंड का राजस्व का भारी क्षति हो रहा है। बाहरी राज्य दूसरे राज्यों का गाड़ियों का परिचालन को रोका जाए और हमारे झारखंड राज्य की गाड़ियों का प्राथमिकता दिया जाए। दमदार निर्माण का भरोसा लाल स्टील टीएमटी बार्स, हर निर्माण के लिए उपयोग लाल स्टील टीएमटी बार्स, रिश्ता मजबूती का।